हे दोस्तों, दिस इज मुकेश। वेल, कभी कभी हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में इस तरीके के सेंटेंसेस को बोलते हैं, जहाँ पर हम लोग कहते हैं मुझे जीएफ बनाने की चाहत है या मुझे जीएफ बनाने का मन है। क्या तुम्हें इंग्लिश सीखने की चाहत है या क्या तुम्हें इंग्लिश सीखने का मन है? किसी काम को करने की चाहत है, इच्छा है या मन है या जी है? तो ऐसे सेंटेंसेस को बनाने के लिए हम लोग इंग्लिश में वर्ड यूज करते हैं willing to। हालांकि इसके जगह आप चाहे तो feel like का यूज कर सकते हैं, longing to का यूज कर सकते हैं, बट इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे willing to। एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा था, सर willing to क्या होता है, इसको किस तरीके से यूज कर सकते हैं? तो आइए जानते हैं। स्ट्रक्चर में सबसे पहले ऐड करेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद लगाएंगे ईच, एम, आर। यदि आप सेंटेंस पास्ट में बोल रहे हैं तो आप वॉज या वर में से कोई एक लगाइए। यदि आपका सेंटेंस नेगेटिव है तो नोट आ जाएगा यहीं पर, नेगेटिव नहीं है तो नोट नहीं राइट करना है। उसके बाद लगाना है विलिंग टू, और विलिंग टू को राइट करने के बाद हम लोग लगाएंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म को लिखने के बाद लास्ट में अदर वर्ड्स को राइट कर देना है। यदि आप क्वेश्चन कीजिएगा तो इज एम आर को आगे कर देना है। पास्ट में क्वेश्चन कीजिएगा क्या तुम्हें इंग्लिश सीखने का मन था या चाहत था, तो यहाँ पर वॉज वर्ब को आगे कर देंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद विलिंग टू, नेक्स्ट में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में अदर वर्ड्स। इसको और भी अच्छे से समझते हैं, उसके लिए लेते हैं कुछ एग्जांपल्स। तो आज का पहला एग्जांपल है, मुझे गर्लफ्रेंड बनाने की चाहत है या मन है या इच्छा है या जी है। तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे आई एम विलिंग टू मेक अ गर्लफ्रेंड, आई एम विलिंग टू मेक अ गर्लफ्रेंड। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या तुम्हें अंग्रेजी सीखने की चाहत है या क्या तुम्हें अंग्रेजी सीखने का मन है, इच्छा है? इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे आर यू विलिंग टू लर्न इंग्लिश, आर यू विलिंग टू लर्न इंग्लिश। इसको फील लाइक से भी बना सकते हैं, डू यू फील लाइक लर्निंग इंग्लिश, डू यू फील लाइक लर्निंग इंग्लिश। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या तुम्हें अंग्रेजी सीखने की इच्छा थी या मन था? इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे वर यू विलिंग टू लर्न इंग्लिश, वर यू विलिंग टू लर्न इंग्लिश। नेक्स्ट सेंटेंस, तुम्हें क्या करने की चाहत है या तुम्हें क्या करने का मन है? यहाँ पर डब्ल्यू एच फैमिली सेंटेंस है, इसके लिए बोलेंगे व्हाट आर यू विलिंग टू डू, व्हाट आर यू विलिंग टू डू। उसे क्या करने की चाहत थी, क्या करने का मन थी, तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे व्हाट वॉज सी विलिंग टू डू, व्हाट वॉज सी विलिंग टू डू। नेक्स्ट सेंटेंस, तुम्हें क्या बनने की चाहत है या तुम्हें क्या बनने का मन है? इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे व्हाट आर यू विलिंग टू बी, What are you willing to be? या बोल सकते हैं What are you willing to become? To become या to be दोनों कर सकते हैं। उसे कहाँ रहने का मन है? इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे Where is she willing to live? Where is she willing to live? उसे कहाँ रहने का मन है? कोई लड़की के बारे में बता रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर सी आया। हे दोस्तों, इसी जुड़े मैं आपको दो सेंटेंसेस देता हूँ, उसको ट्रांसलेट कीजिए, राइट कीजिए कमेंट बॉक्स में। इफ़ यू मेक एनी मिस्टेक देन आई करेक्ट इट। हे गाइज, हाउ डिड यू फाइंड माई वीडियो? इफ़ यू रियली लाइक वीडियो प्लीज लाइक, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब, एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग योर फ्रेंड्स, बाय बाय।